जब आप कुछ बन जाते हैं ना, फिर काल के यूं ही पड़ती है चारों तरफ, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी मन, कभी माया, कभी ईर्ष्या, कभी दुई द्वेष, एक तरह की तड़ातड़ पड़ती है और सारे सिमरन उसी को बचाने में लग जाता है। सुमरन ढाल बन जाता है कि ना भाई इसके नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो मालिक का बच्चा है। फिर आप कहते मैं सिमरन तो करता हूँ, सत्संग तो सुनता हूँ, फल क्यों नहीं मिलता? अरे कहां से मिले? वो सारा तो आपको बचाने में, आपकी की गई करतूतों को आपसे दूर करने में लग जाता है। कहां से आपको खुशियां ला के दे दे? कोई बचनों में काट करना शुरू कर देते फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो बहुत ज्यादा सुमरण किया हो तो चाहे बचा ले, वरना वो आप पापों के अधिकारी बनते चले जाते। तो इसलिए भाई खुशियां तो सुमरण में है, तमाम 100% खुशी देता है। हो ही नहीं सकता कि जिसने मालिक से नाम लिया हो, दर्ज यकीन रखता हो, उसे कोई कमी आ जाए। लेकिन कमियां आपकी जब तक निकलती नहीं, सुमरण का पूरा फल आपको मिलता नहीं।